अस्सलाम वालेकुम डेली करंट अफ़ेयर्स के साथ आज हम डिस्कस करेंगे मार्च 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफ़ेयर्स और कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके इनको हम कवर करें हम चलते हैं अपनी क्वेश्चंस की जानब हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है वो इज़ न्यूली प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया महािर मोहम्मद अनवर इब्राहिम या मोहुलद्दीन यासीन जो सही जवाब है इसका है उसका ऑप्शन सी महिदुद्दीन यासीन नए प्राइम मिनिस्टर है मलेशिया के महिला यासीन जो है पहले एक्स इंटीरियर मिनिस्टर थे मलेशिया के क्वेश्चन नंबर टू है वो साइन एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द तालिबान इन दोहा ऑन उन्तीस फरवरी दो के ये कब साइन हुआ था ये उनतीस फरवरी दो को साइन हुआ था इसमें पीस एग्रीमेंट जो है तालिबान के बिहॉफ में किसने किया था वो मुल्ला बरदार अब्दुल सलाम जयीफ या वकील अहमद जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है मुल्ला बरदर मुल्ला बरदर अब्दुल गनी बरदर एंड जलम खलील जाड ने यह साइन किया था लैंडमार्क जो पीस एग्रीमेंट था तालिबान और यू एस ए के बिहु पे वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे कब मनाया जाता है मार्ण, पहली पहली मार्च ट्वेंटी नाइन्थ फेबर या सेकेंड मार्च जो सही जवाब है इसका वो ऑप्शन ए फर्स्ट मार्च दिस डे ब्रिंगज अटेंशन ऑफ वर्ल्ड पब्लिक अब द इमार्टेंस ऑफ सिविल प्रोटेक्शन इट वॉज डिसाइडेड इन नाइनटीन नाइनटी टू सेलिब्रेट दिस डे कोशिश करेंगे जितना जल्दी क्वेश्चन को कवर कर सकें अगर आप इसका पी डी एफ भी चाहते हैं कि ये जो पी डी एफ है आपको पी डी एफ पे मिले तो हम अपनी वेबसाइट दी हुई है लिंक में जो करंट अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान डॉट कॉम भी सर्च कर सकते हैं आप गूगल में वहाँ से आपको ये पी डी एफ में मिल जाएगा ये पार्ट वन है इसका पार्ट टू भी बनाएंगे हम वो भी आपको पी डी एफ में उसमें मिल जाएगा और आप अगर फरवरी का या जनवरी का भी चाहते हैं तो वो भी पी में और वीडियो भी उधर मिल जाएगी आपको करंट अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान डॉट कॉम में क्वेश्चन नंबर फोर है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे इज बी ग्लोबली सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट फर्स्ट मार्च सेकेंड मार्च या थर्ड मार्च जो सही जवाब है इसका है वो ऑप्शन वन फर्स्ट मार्च है द दर्पज जो है इस डे का दैट एवरी वन लिवस लाइफ विद डिग्निटी रिगार्डलेस ऑफ एज जेंडर एथनिसिटी स्किन कलर हाइट वेट इट ई सी ये जो पहलीफा दो हज़ार चौदह में यू एन ओ की जनब से मनाया गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एहसास एवार्ड टू द फर्स्ट बेच ऑफ स्टूडेंट्स ऑन डेट पहली मार्च दूसरी मार्च या फिफ्थ मार्च को जो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी सेकेंड मार्च द फोर ईयर रुपीज ट्वेंटी फोर बिलियन इनिशियटिव वुड बी सपोर्ट टू लैक पुअर स्टूडेंट्स फिफ्टी थाउजेंड स्टूडेंट्स को डॉप दिस स्कॉलरशिप एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू रिस नंबर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज ओवर वेट हाफ मोर देन हाफ या लेस देन हाफ जो सही जवाब है ऑप्शन बी है मोर देन हाफ ये जो स्टडी है वो पाकिस्तान हेल्थ रिचर्च काउंसिल ने की है उसने अलार्मिंग ट्रेंड इन सोसाइटी बिकॉज नॉट ओनली अडल्टेट चिल्ड्रेन बट आल्सोर बिकमिंग पेशेंट्स ऑफ ओबिसटी लिंक डिजीजेस न सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी इस बीमारी के हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर है इज़ द द करंट ऑफ फॉर जम्मू एंड कश्मीर इशू यूसुफ एम दुबई अल उमीन या शाह महमूद कुरैशी जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए यूसुफ एम अल दुबई मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड फॉरन मिनिस्टर ड्यूरिंग हिज विजिट विद हाई लेवल डेलीगेशन एंड अनाउंस टू सपोर्ट पाकिस्तान इन कनेक्शन विद कॉज ऑफ कश्मीर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हेल्थ इमरजेंसी इज कोरोना वायरस राइजेज हाउ मेनी केसेज टू फाइव या टेन जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है जब फाइव केसेज हो गए थे तो पाकिस्तान ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी फेडरल गवर्नमेंट हैज इम्पोज हेल्थ इमरजेंसी अक्रॉस द कंट्री डॉ जफर मिर्जा एज स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर हेल्थ सर्विसज ये जनरल नॉलेज की पॉइंट थी वॉट इज़ द नेम ऑफ पाकिस्तानी लेडी मेजर वू इज़ करंटली सर्विंग इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो मेजर समिया रहमान मेजर जनरल निगार जौहर या मेजर शाहिदा बादशाह जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है मेजर समिया रहमान हाउ मेनी कंट्रीज़ पार्टिसिपेटेड इन दर्ड पाकिस्तान आर्मी टीम स्प्रिट कॉम्पिटिशन ट्वेंटी ट्वेंटी फिफ्टीन सिक्सटीन या ट्वेंटी जो सही जवाब है ऑप्शन बी सिक्सटीन टीम है

क्वेश्चन 13 है एट्थ मार्च इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल वुमेन्स डे व्हाट इज द थीम ऑफ वुमेन्स राइट डे वुमेन राइट्स डे 2020 वुमेन एंड साइंस आई एम जनरेटिंग आई एम जनरेशन इक्विटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट वुमेन एंड इक्विटी जो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी वुमेन्स एंड इक्विटी क्वेश्चन 14 है कमांडर ऑफ ईरानीन कमांडर ऑफ ईरानियन रेवोल्यूनशनरी गार्डस फरहाद डेब्रियन किल्ड रिसेंटली इन विच कंट्री इराक अफगानिस्तान सीरिया एन ऑफ दिस सही जवाब है ऑप्शन सी है सीरिया ही वॉज फॉर्मर कमांडर एंड डिस्क्राइब्ड हेम एज अ डिफेंडर ऑफ सईदा जैनब श्राइन नियर द मश वुच कंट्री वोन द वुमेन टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी इंडिया ऑस्ट्रेलिया या yeah, पाकिस्तान जो सही जवाब है ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया वन द फिफ्थ टाइम वुमेन्स टी ट्वेंटी क्रिकेट वर्ल्ड कप बाय डिफीटिंग इंडिया टू डे फर्स्ट वुमेन कॉन्फ्रेंस हेल्ड फ्रॉम सिक्स टू सेवंथ मार्च इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान कराची इस्लामाबाद या खोटा जो सही जवाब है ऑप्शन ए कराची द आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान होस्टेड अ टू डे वुमेन कॉन्फ्रेंस टू लुक आफ्टर द इश्यूज ऑफ वुमेन एंड कम अप विद देयर सोल्यूशंस सोशल मीडिया नेटवर्क रिमूव रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंगस्ड एज अस मैसेज ट्विटर इंस्टाग्राम या फेसबुक सही जवाब इसका ऑप्शन सी है फेसबुक क्वेश्चन नाइनटीन है यूरी गैग्रीन वॉज अ फर्स्ट वूमेन टू जर्नी इन टू आउटर स्पेस ही वॉज बॉर्न ऑन विच डेट एट्थ मार्च टेंथ मार्च या नाइन्थ मार्च जो सही जवाब है ऑप्शन सी है नाइन्थ मार्च को वो पैदा हुए थे ही बिलोंग टू सोवियत यूनियन रशिया एंड वॉज अवारी टाइटल्स एंड मेडल्स इंक्लूडिंग हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन ही रिमेन द आउटर स्पेस फॉर वन आवर एंड फोर्टी एट मिनट हाउ मेनी सीनियर प्रिंस वर डिटेन इन द किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया ड्यू टू प्लानिंग ऑफ कोप टू थ्री या फाइव जो सही जवाब है ऑप्शन है बी थ्री प्रिंसेज प्रिंस अहमद बिन अब्दुल अजीज द यंगर ब्रदर ऑफ किंग सलमान प्रिंस मोहम्मद बिन नईफ एंड प्रिंस नवाफ बिन नईफ वॉज डिटेन ड्यू टू प्लानिंग ऑफ कोप इन सऊदी अरबिया वॉट वॉज द नेम ऑफ इरानियन ला मेकर एंड रिमेंबर ऑफ द पार्लियामेंट वू डाइड रिसेंटली ड्यू टू करोना वायरस अटैक फ़ातिमा रहबर फातिमा सुलेमानी या खदीजा कुस सही जवाब है फ़ातिमा रहबर शी वॉज डाइड ऑन सेवंथ मार्च ड्यू टू कोविड नाइन्टीन शी वाज फिफ्टी फाइव ईयर एज एंड कंजरवेटिव मेम पी एट रिसेंटली बीन इलेक्टेड ऑन द पार्लियामेंट फ्रॉम द कैपिटल सिटी ऑफ तेहरान वो इज करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ दर्गे ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक अब्दुल्ला सलीम फाद रूहानी या मोहम्मद बार किंदो जो सही जवाब है ऑप्शन सी है मोहम्मद बारकंदो जो है वो करंट सेक्रेटरी जनरल है ओ पेक के इज नाइजरियन पॉलिटिशियन करंट सेक्रेटरी जनरल है ओपेक के मार्च 2016 से लेके ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रिया में है ओपेक जो है 14 सितंबर 1960 को बनाई गई थी 14 कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज उस कंट्री हैज़ बीन बैडली इफेक्टेड ओइंग टू कोविड 19 डिजीज आफ्टर चाइना ईरान साउथ कोरिया इटली वो ऑप्शन है ऑप्शन सी इटली Italy has extended its emergency coronavirus, measures which include travel restrictions and ban of public gathering to the entire country. Prime Minister of Italy ordered people to stay home and seek permission for essential travel and declare recent outbreak as darkest hour of the country. 463% died so far due to coronavirus. Yoswakatki reported in the march. Italy is a European country and Rome is its capital city. Currency of Italy is Euro and plus 39 is calling code. Who is current Prime Minister of Italy? ऑप्शन ए सर्जियो मतरेला बी गुस्पी कॉन्टी या सी रोबर्टो फिको डी नन ऑफ दीज जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इटली रोबर्टो फिको इज द प्रेसिडेंट ऑफ द चेंबर ऑफ डिप्यूटीज व्हाट इज द नेम ऑफ इटलीज नेशनल असेंबली कॉमन ऑफ हाउस चेंबर ऑफ डिप्यूटीज सेनेट ऑफ द रिपब्लिक डी नन ऑफ दीज जो सही जवाब है ऑप्शन बी चेंबर ऑफ डिप्यूटीज है सेनेट ऑफ रिपब्लिक इज अपर हाउस ऑफ इटली स्पीकर ऑफ द हाउस इज बिंग कॉल्ड प्रेजिडेंट ऑफ द चेंबर ऑफ डिप्यूटीज इन इटली वो सिटी इज बिंग कॉल्ड द फैशन कैपिटल ऑफ इटली मेलन वेनाइस या रोम जो सही जवाब है ऑप्शन ए है मेलन इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ रोम एंड इट इज वाइडली फेमस एज द ग्लोबल कैपिटल ऑफ फैशन एंड डिजाइन है वो सिटी इज ग्लोबली फेमस एज सिटी ऑफ केनाल्स ए मिलन पैरिस या वेनिस जो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी

सेल ऑफ ऑन स्टॉक मार्केट्स विच आर ऑलरेडी बर्कलिंग फ्रॉम द स्प्रेडिंग कोरोना वायरस आउटब्रेक स्टॉक टेंट एज द ग्लोबल नॉस डी एट वन स्टेज ऑफ द टॉप एक्सपोर्टर सऊदी अरेबिया स्लैश द प्राइसेज इट चार्ज कस्टमर फॉलोइंग बस्टअप रशिया ओवर क्रूड प्रोडक्शन कट्स विच कंट्री रिलीज सेवेंटी थाउजेंड प्रिजनर स्टॉक कोरोना वायरस एटली साउथ कोरिया ईरान सही जवाब है इसका ऑप्शन सी ईरान

बिल्लू मून येलो मून या वार्म मून जो सही जवाब है ऑप्शन वो ऑप्शन सी है इसको वार्म मून का नाम दिया गया है अकॉर्डिंग टू नासा मून टाइटल सॉफ्टनिंग ड्यूरिंग द मंथ एंड द अर्थ वेल्थ वार्मर वेदर सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्टी टू है वो क्वेंट दुपर मून for फुल मून सर Isaac Newton निकोलस कॉपरिनस कॉपरिनस या रिचर्ड नोले जो सही जवाब है ऑप्शन सी है रिचर्ड नोले कॉइन द टर्म सुपर मून इन 1979 टू रिफर टू अ फुल मून दैट विद इन ऑफ आकार जी और द क्लोज इस गेट्स टू अर्थ इन एन ऑर्बिट वेन द मून रिच इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ देन वाट टर्मिनोलॉजी ऑफ एस्ट्रोनॉमी इज यूज फॉर इट पेरी जी एपोजी या माइक्रो मून जो सही जवाब है इसका वो ऑप्शन ए पेरी जी

सही जवाब है इसका ऑप्शन सी सैद अलताफ़ बुखारी इट वुड बी अ पार्टी अनाउंस बाय सैयद अलताफ़ बुखारी वो अ मिनिस्टर इन द कोलिशन गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एंड बीजेपी वु प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान अनाउंस द नाइन्थ एंड टेंथ मार्च पब्लिक हॉलीडे ऑन द दकेजन ऑफ हाली होली द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री सिंध पंजाब या बलोचिस्तान सही जवाब है ऑप्शन सी बलोचिस्तानी बलोचि जाम कमाल खान इज़ होली पब्लिक हॉलीडे थ्रू आउट द फेस्टिवल होली फॉर द हिंदू कम्युनिटी वू इज इलेक्टेड इज फर्स्ट मुस्लिम मयर इन बेवेरिया जर्मनी मोहम्मद सादिकान लाइबस इब्राहिम रईसी जो सही जवाब है ऑप्शन बी है ओजान ली बास ही वॉज वोन वोट्स अड ऑफ म्यूनसिपल इलेक्शन इन साउद जर्मनी बेवेरिया According to a recent report of Stockholm International Peace Research Institute, what is the number of Pakistan in terms of arm importer in the world? 10th, 11th, 12th, which is option B. is the number of arm importer Pakistan? According to the report, India is second in the list. In which country two presidential candidates claimed their success and took oath as president? साइमल टेनस्ली ताइवान टोगो या अफगानिस्तान जो सही जवाब है ऑप्शन सी अफगानिस्तान बहुत अशरफ ग अब्दुल्ला टुकओथ इज प्रेजिडेंट ऑफ अफ़ानिस्तान नाइन्थ मार्च लीड टू अ पोलिटिकल क्राइसिस इन द कंट्री वो बिकम द टॉप रिचेस्ट पर्सन इन एशिया अ नाइन्थ मार्च आफ्टर स्लैशिंग ऑयल प्राइसिस इन द ग्लोबल मार्किट जैक मा मुकेश अम्बानी या अलवलीद बिन तलाल जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए है जैक मा इज़ अ चाइनीज़ नेशनल एंड द फाउंडर ऑफ अली बाबा ग्रूप ही बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया नाइन्थ मार्च वे रिचेस्र्सन मुकेश अम्बानी गॉट लॉस ड्यू टू डिडक्शन इन आयल प्राइसेज वो इज़ करंटली द एम्बेसिडर ऑफ सऊदी अरबिया इन पाकिस्तान फ़रहान बिन फैसल नवाफ बिन सईद अल मलिकी या मोहम्मद बिन सलमान जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है नवाफ बिन सईद अल मलिकी ये पाकिस्तान में करंट एम्बेसडर हैं सऊदी अरबिया के सऊदी अरबिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन वेस्टर्न एशिया सेकेंड लार्जेस्ट इन अरब वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट इन एशिया एंड ट्वेल्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड रियाज इज द कैपिटल सिटी सऊदी रियाल इज दफिशियल करेंसी एंड नाइन सिक्स इज द ग्लोबल कॉलिंग कॉर्ड ऑफ सऊदी अरबिया ये इंपॉर्टेंट चीजें थी कुछ सऊदिया के हवाले से विच यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान वन डे कॉन्फ्रेंस ऑन कश्मीर ही विन एंड एशियज द कश्मीर डिस्प्यूट कैद अजमर्सिटी नस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ बहरिया जो सही जवाब है ऑप्शन सी है बहरिया यूनिवर्सिटी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं द कॉन्फ्रेंस इम्पॉर्टेंट पॉइंट बाई बहरिया एट इस्लामाबाद कैंपस टू रेज अवेयरनेस अबाउट द कश्मीर का प्रेसिडेंट ऑफ आजाद एंड जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान ग्रेस द ओकेजन एज अ चीफ गेस्ट अलॉन्ग विद सैयद फखर इमाम चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री स्पेशल कमेटीज ऑन कश्मीर क्वेश्चन फोर्टी थ्री आई सी स्ट्रॉन्गली कंडेम दटेम्प कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर ऑन नाइन्थ मार्च 2020, यमन सीरिया या सूडान जो सही जवाब है ऑप्शन सी है सूडान प्राइम मिनिस्टर ऑफ सूडान अब्दुल्ला हमदोक हैज सर्वाइव एन असिस्टन अटैम्प्ट आफ्टर इज वाज अटैक्ड इन द कैपिटल सिटी ऑफ सूडान खारतोम रिपब्लिक ऑफ द सूडान इज अ कंट्री इन नार्दर्न अफ्रीका नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका सूडन इज ऑफिशियल करेंसी प्लस टू फोर नाइन इज कॉलिंग कोड ऑफ सूडान

एंड फार्मोकोलाजिस्ट बॉर्ड ऑन सिक्स एटीन हंड्रेड एट्टी वन एंड स्कॉटलैंड एंड गॉड नोबल डिस्कवरी ऑफ पेंसिलेन इनटीन फोर्टी फाइव सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग डाइड इट इज होम इन लंडन ऑफ हार्ट अटैक ऑन एलेवंथ मार्च नाइनटीन बोथ टर्की एंड रशिया एग्रीड फॉर अ सीज फायर इन विच कंट्री अफगानिस्तान सीरिया यामन जो सही जवाब है ऑप्शन बी है सीरिया लास्ट वीक बोथ तर्की एंड रशिया एगरी टू मेक असीज फारिप सीरिया वो इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन मोहम्मद नईम आसिम बाजवा या मुमताज शाह जो सही जवाब है उसका है ऑप्शन ए मोहम्मद नईम पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है नाइनटीन फिफ्टी सिक्स को बनाई गई थी हेड क्वार्टर इसका इस्लामाबाद में है वो इज द करंट एंड सिक्स डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन एजेंसी ए युकैया अमानो बी राफेल ग्रोसी या सी मोहम्मद जो सही जवाब है इसका है वो ऑप्शन बी है राफेल ग्रोसी ही इज एन अर्जेंटाइन डिप्लोमेट वो अज्यूम टीजी इंटरनेशनल एजेंसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ऑन थर्ड दिसंबर 2019 थाउजेंड वेर इज हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वियना पेरिस या लंडन जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है वियना में है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो है वो ट्वेंटी जुलाई नाइनटीन को इस्टबलिश की गई थी और इसमें वन मेंबर स्टेट्स हैं एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री ईयर 2019-20 वाज ट्वेंटी वॉज रिलीज बाई वोम ऑन ट्वेंथ मार्च 2020 थाउजेंड चेयरमैन सेनेट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान स्पीकर नेशनल असेंबली या नन ऑफ दीज सही जवाब है वो ऑप्शन है चेयरमैन सेनेट चेयरमैन सेनेट जो इस वक्त है वो मोहम्मद सादिक सन्जरानी हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अनाउंस किया है फर्स्ट एवर नेशनल तब्को कंट्रोल पॉलिसी विद इन विच टाइम पीरियड वन मंथ टू मंथ थ्री मंथ्स जो सही जवाब है वो ऑप्शन वन ए वन मंथ है वर्ल्ड किडनी डे इज़ बीग ऑन विच डे ग्लोबली फर्स्ट थर्सडे ऑफ मार्च सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च या सेकेंड फ्राइडे ऑफ मार्च जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च में हर साल वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है वर्ल्ड किडनी डे इज ऑब्जर्वड ऑन थर्सडे 12th मार्च अक्रॉस द ग्लोब टू फोकस इंपॉर्टेंस ऑफ द किडनीज वाइफ ऑफ व्हिच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर इज अफेक्टेड बाय कोविड-19 डिजीज ईरान साउथ कोरिया या कनाडा सही जवाब है कनाडा सोफी गो सोफी जरोजेयर ये वाइफ है 23rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा जस्टिन ट्रूडो की हाउ मेनी पाकिस्तानी आर्मी ब्रिगेडियर्स अनाउंसड टू प्रमोट मेजर जनरल थर्टी फोर थर्टी फाइव या थर्टी सिक्स सही जवाब है थर्टी सिक्स वाटर लेवल रीच हाइस्ट इन डेम ऑफ पाकिस्तान रिसेंटली टू डेम अथॉरिटीज ओपन स्पिल वेज मंगला खानपुर या तरबेला जो सही जवाब है ऑप्शन बी है खानपुर डैम इज सिचुएटेड ऑन हरो रिवर के पी प्रोविंस अबाउट फिफ्टी किलोमीटर्स फ्रॉम इस्लामाबाद वेन कैथरीना सेकोरो पोलो सोवान एज द फर्स्ट फीमेल प्रेजिडेंट ऑफ ग्रीस एलेवेंथ मार्च ट्वेल्थ मार्च या थर्टींथ मार्च सही जवाब है ऑप्शन सी थर्टीन मार्च को इन्होंने ये पहली ग्रीस की वुमेन या फीमेल प्रेजिडेंट है शिवा सोवान एज द फर्स्ट फीमेल प्रेजिडेंट इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ लॉ मेकर ड्यू टी प्री कोरोना वायरस आउटब्रेक वाट इज द नेम ऑफ द इन्वेंटर ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू 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 वू रिसेंटली गेव अ स्टेटमेंट दट द वेब इज नॉट वर्किंग फॉर वूमैन चार्ल्स बाबेज जेफ बेनोज या टिम बर्नर्स ली सही जवाब है टिम बर्नर्स ली अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ विच इज द न्यू एपिसेंटर ऑफ कोविड नाइन्टीन अमेरिका यूरोप या एशिया सही जवाब है ऑप्शन बी यूरोप चीफ ऑफ डब्ल्यू एच ओ हेल्ड अ विर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस इन यूरोप इज अव एपिसेंटर ऑफ एंडेमिक कोविड बिकॉज मोर केसिज आर बींग रिपोर्टेड एज कंपेयर टू चाइना

एन में कब बनाया गया था 2005, 2006 या 2007 जो सही जवाब है इसका वह ऑप्शन सी है 2007 में बनाया गया था नैशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज़ एन ऑटोमिनमस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल अथॉरिटी अथॉरटी सेवनटीन अगस्त टू थाउजेंड सेवन मैंडेटेड टू डील विद होल स्पेक्ट्रम ऑफ डिज़ास्टर्स एंड देयर मैनेजमेंट इन द कंट्री वो इज़ करंट चेयरमैन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एन डी ए में बाबर आसिफ गफूर या मोहम्मद अफजल सही जवाब है इसका ऑप्शन सी मोहम्मद अफजल Lieutenant General Muhammad Afzal is the current and sixth chairman of NDMA, which works under National Disaster Management Act 2010. Which country reclaimed to prepare a vaccine against COVID-19, which would be trialed on humans soon? Thailand, Israel, Italy, see Java is B. Israel. Israeli scientists and doctors claimed that vaccine was ready to test on humans and clinical trials would be initiated soon. Which Hollywood movie is the new? Is in news these days in which the coronavirus was predicted 10 years ago. Secret virus, Contagion, is a shocking disease. Say by option B, Contagion movie. There is a moment early in the movie Contagion when health officials lay out what's known about the film's valian, a novel virus that is sweeping the globe and leaving dead bodies in its path. The movie was released in late January 2011. रिसेंट रिडक्शन ऑल ऑल बिटवीन सऊदी अरबिया एंड वुच अदर कंट्री ईरान यूएसए या रशिया सही जवाब है रशिया एफ आई ए अगेंस्ट एडवाइजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बिकॉज ऑफ स्मगलिंग ऑफ द फेस मास्क डॉक्टर जफर मिर्जा या रज़ाक दाऊद सी इशत हुसैन सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर जफर मिर्जा Dr. Zafar Mirza is a special assistant to Prime Minister on Health Services. An inquiry was initiated against him due to allegedly being involved in smuggling of 20 million face masks to China with the help of Drug Regulatory Authority of Pakistan. Dr. Mubashir Hassan, co-founder of PPP, died on 14th March at the age of 96, 97 and 98. Saeed Jawab, Option C, 98 years. जनवरी सेकंड जनवरी टू इन पानीपत ईस्ट पंजाब ब्रिटिश इंडिया ही सर्वड एस टेंथ फाइनस प्लानिंग एंड डेवलपर प्रीमियरशिप ऑफ जुल्फार अली भुट्टो द माइरेज ऑफ पॉर इज अ प्रोमिनंट बुक विच वॉज रिटन बाय वोम डॉक्टर मुशाहिद हुसैन बेनजीर भुट्टो या मुबशिर हुसैन सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर मुबशिर हुसैन डॉक्टर मुबशिर हुसैन वॉज अ प्रोलिफिक राइटर एज ही Pained many books including Birds of Indus, An Inquiry into Bhutto Years, National Unity, What is to be Done, United Fronts for People's Democracy, Pakistan Illiterate Leaders, A Declaration of Unity of People, and On the General Education of an Engineer. Which SARC member country urged to arrange a virtual conference for initiating an effective strategy to control coronavirus outbreak? ए इंडिया बी मालदीव सी श्रीलंका सही जवाब है इसका ऑप्शन ए इंडिया ने यह प्रोपोज किया है किया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी रिक्वेस्टेड ऑल मेंबर्स कंट्रीज टू अरेंज अ ज्वाइंट व्यवल कॉन्फ्रेंस टू तो मेक एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर हॉल्टिंग कोविड नाइन्टीन डिजीज आल सार मेंबर कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान वेकम द आइडिया वो इज करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क अमजद बी सियाल अब्दुल हमीद सोले या इसला वीराकून सही जवाब है इसका ऑप्शन सी इसला वीराकून ये करंट सेक्रेटरी जनरल हैं सार्क के He is Sri Lankan diplomat. The headquarters of Sark is located in Kathmandu, Nepal. There are eight members of Sark, and its official language is English. Sark was founded on eighth December nineteen eighty-five, in Dhaka, Bangladesh. Which country's leader oversaw military drills despite concerns about the outbreak of COVID nineteen? Well, the Putin, Kim Jong Un. The answer is Kim Jong Un. North Korea is situated in East Asia, with

which country gave an idea of a five-year summit of world powers to discuss international peace and security measures? uk, russia, china, joseph jawaska, option b, russia. russian president vladimir putin gave an idea to hold a summit between the leaders of permanent members of un security council to discuss international peace and security measures in january 2020. united kingdom is the last country who assented to hold the summit. Which country's president made an amendment in the constitution, which paved the way for him to remain in power until 2036? China, Russia, or North America? say answer is option B, Russia. Russian president could stay in power until 2036 after lawmakers voted in favor of last-ditch proposal to reset the clock on the leader's presidential term count in updated version of the constitution.

द रावल डैम इज ऑन विच रिवर ऑफ पाकिस्तान इंडस काबुल या कोरंग सही जवाब है सी कोरंग रावल डैम इज लोकेटेड विद इन आइसोलेटेड सेक्शन ऑफ द विलेज मालपुर बनी गाला एंड मारगला हिल्स नेशनल पार्क कोरंग रिवर इज आउटलेट स्ट्रीम ऑफ रावल डैम वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स हैज़ बीन सेलिब्रेटिंग ऑन विच डेट थर्टीन मार्च फोर्टीन मार्च या फिफ्टीन मार्च जो सही जवाब है इसका है वो ऑप्शन सी फिफ्टीन मार्च

ग्लोबली ऑन विश डेट फिफ्टीन सिक्सटीन या सेवनटीन्थ मार्च सही जवाब है फिफ्टीथ मार्च को द डे वॉज क्रिएटेड इन टू थाउजेंड टेन बाई जवाद जावेद मोहम्मद असैन फ्रांसिको बेस्ट राइटर प्रोड्यूसर एंड फाउंडर ऑफ माई फेवरेट रिव्यू वर्ल्ड स्पीच डेज बीन सेलिब्रेटेड ऑन विश डेट ईच ईयर ग्लोबली फोर्टीनथ मार्च फिफ्टीन्थ मार्च या सिक्सटीथ मार्च सही जवाब है ऑप्शन बी फिफ्टीनथ मार्च को this day was launched at the athens democracy forum in 2015. it was first celebrated on 15th march 2016. when SARC video link conference was held on the idea of indian prime minister 15th 16th or 14th march, option A, 15th march during the video link conference indian prime minister proposed to establish covid 19 emergency fund वो अटेंड द सार्क वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान शाह महमूद कुरेशी डॉक्टर फ़र मिर्ज़ा इमरान खान सही जवाब है ऑफ्शन बीज डॉ जफर मिर्जा वच फीमेल पुलिस कमांडो ऑफ खैबर पख्नखो हेज़ बिन चोजन यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन जैबुल ना गुल निसा या गुल इसमाइल सही जवाब है इसका ऑप्शन बी गुल नसा शी बिलोंग्स टू रिमोट रीजन ऑफ टांग एंड शॉर्टली जॉइंट पीस कीपिंग मिशन Who is invited by Israeli president to form new government in Israel and become a new prime minister of the country? Benny Gantz, Benjamin Netanyahu, Reuven Rivlin. Say answer by option A. Benny Gantz. Reuven Rivlin is the president of Israel who invited Benny Gantz to form a new form, new government as he acquired the required number of votes in this regard. प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान आर एफ एल वी इज गॉन टू चाइनाथ मार्च टू थाउंडी अलॉंग विद डेलीगे फॉर हाउ मेनी डेज विजिट टू डेज थ्री डेज या फोर डेज सही जवाब है इसका ऑप्शन है टू डेज प्रेजिडेंट आर एफ एल वी विल मीट हिज चाइनीज मेट विज काउंटर पार्ट जी जिनपिंग ड्यूरिंग हिज विजिट सिक्सटीन टू सेवनटीन मार्च ही एक्सप्रेस सोलिब्रिटी विद द चाइनीज लीडरशिप एंड पीपुल और लॉस ऑफ प्रीशियस लाइफ ड्यू टू कोरोना वायरस ू इज द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट स्पेशल इनिशियटिव उमर अयूब असद उमर या हम अजहर सही जवाब ऑप्शन सी ऑप्शन बी सॉरी असद उमर फर्स्ट पर्सन इंजेक्टेड विद्रायल कोरोना वायरस वैक्सीन इन विच कंट्री ऑन मनडे जर्मनी फ्रांस या यूएसए सही जवाब है इसका ऑप्शन सी यूएसए में What name was given to the first anti virus vaccine? MR1273, RNA1273, MRNA1273, which is the option C, MRNA1273. It was developed by biotechnology company Modrena in combination with research from the National Institute of Health. Who is newly appointed Prime Minister of Iraq? ब्रहम साले अदनान ज़रफी या हैदर अली अलियाबी सही जवाब है इसका ऑप्शन बी अदनान ज़रफी जो है वो नए प्राइम मिनिस्टर हैं इराक के इज़ फॉर्मर गवर्नर ऑफ नजफ हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इराक दैट इज़ ब्रहम साले विच इज़ द करेंसी ऑफ इराक इराकी दरम इराकी पाउंड इराकी दीनार सही जवाब है इराकी दीनार इराक इज़ वेस्ट

आयशा आयाज या गुल निसा सही जवाब है ऑप्शन ए माहूर शहजाद माहूर शहजाद पाकिस्तानी फीमेल बैडमिंटन प्लेयर रिटायर्ड जनरल सैयद अफ्तार एक्स गवर्नर ऑफ वच प्रोविंस ड्यूरिंग परैद मुशर्रफ रिजेम बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब सही जवाब है ऑप्शन बी खैबर पख्तूनख्वा

है फिक्स नंबर जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का वो सत्रह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वॉज द फोर्टी सेवन फेडरल कोर्ट और इसको कन्वर्ट किया गया था मॉडर्न फॉर्म में ऑन सेकेंड मार्च नाइनटीन फिफ्टी करंट को वो इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा साकिब निसार या गुलजार अहमद सही जवाब ऑप्शन सी जस्टिस गुलजार अहमद

How much was announced by IMF to help countries struggling with the humanitarian and economic impact of the COVID-19? $1 trillion, $2 trillion, yeah, $5 trillion say Java option A. The International Monetary Fund was established on 27th December 1945. There are 189 member countries of IMF. Who is current managing director of IMF, Christine Ligarde? जॉर्जिया जॉर्जीवा सी डेविड मालपास सही जवाब ऑप्शन बी क्रिस्टालीना जॉर्जीवा हेडक्वार्टर जो है आई एम एफ का वो है वाशिंगटन डीसी में यह बल्गेरियन इकोनॉमिस्ट है वो फेडरल मिनिस्टर ऑफ आइसोलेशन आफ्टर हिज विजिट टू चाइना उमर शाह मोहम्मद कुरैशी आरिफ अलवी सही जवाब ऑप्शन बी

लोकेटेड साउथ अमरीका नॉर्थ अमरीका या यूरोप सही जवाब है ऑप्शन है साउथ अमरीका कैपिटल है इसका कराकस ऑफिशियल करेंसी है इसकी वेन्जूला पेट्रो एंड ग्लोबल कॉलिंग कोड एफ फाइव एट यूएसए ब्लैक टू वुच टेरिस ऑर्गेनाइजेशन चीफ ऑन एटीन मार्च आई 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 एस आई एस अलकायदा या अलशबाब सही जवाब ऑप्शन ए आई एस आई एस अमीर मोहम्मद अब्दुल अल मावली इज अ करंट चीफ ऑफ आई एस आई एस आफ्टर डिमाइज ऑफ अबू बकर अल बगदादी वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बिल विल प्रोवाइड हाउ मच अमाउंट पाकिस्तान फॉर एड्रेसिंग दोशो इकोनॉमिकीन डिजीज फाइव हंड्रेड एटी एट मिलियन डॉलर फाइव हंड्रेड एटी एन ट्रिलियन डॉलर्स या फाइव हंड्रेड एटी एट बिलियन डॉलर सही जवाब इसका ऑप्शन ए 588 मिलियन डॉलर्स वर्ल्ड इकोनॉमिक वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड इन मार्च 2020 हाउ मच अमाउंट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन पाकिस्तान 300 मिलियन डॉलर्स 300 ट्रिलियन डॉलर्स या 300 बिलियन डॉलर्स ऑप्शन है 300 मिलियन डॉलर्स वो इनिग्रेटेड पाकिस्तान फर्स्ट कोरोना टेली वेब पोर्टल एंड कोरोना मोबाइल एप टॉक कोविड-19 स्प्रेड इसमाइल चौधरी सरवर शाह फरमान सही जवाब है ऑप्शन बी चौधरी सरवर चौधरी सरवर इज करंट ऑफ़ पंजाब एक्स-चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया टुक ओथ मेंबर ऑफ राज्यसभा ऑन नाइनटीन्थ मार्च टू रंजन गोगोई रामनाथ कोविंद या एस जे शंकर सही जवाब है इसका ऑप्शन ए रंजन गोगोई He served as the 46th Chief Justice of India and gave the controversial decision of Babri Masjid just a few months of his retirement ago. He became the first Indian Prime Minister, Chief Minister. He became the first Indian former Chief Justice who was nominated as a member of the upper house. Opposition parties protested and walked out from the house and declared this big question on impartiality of the judicial system of India. Aaj Part 1K, Important Current Affairs. पार्ट टू की वीडियो भी जल्द अपलोड की जाएगी अगर आप इसका पी डी एफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान डॉट से भी डाउनलोड कर सकते हैं ये और इसकी टेस्ट देना चाहते हैं तो वो भी आप इस टेस्ट वेबसाइट पे जाके इन क्वेश्चंस को इन एम सी क्यूज फॉर्म में अटैम्प्ट कर सकते हैं शुक्रिया अल्लाह हाफिज़